कारोबार से आए हुए हैं। इन्होंने 18 दिन पहले डॉक्टर साहब से अपना पेट छोटा करवाया था। तो अच्छा, तो आपने ऑपरेशन करवाने के बाद 18 दिन में कितनी दफा डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया? मैं आज तीसरी मरतबा आया जी इनके पास। और आज आपको डॉक्टर साहब फाइनल आज मुझे उन्होंने फारा कर दिया कि आप आने की जरूरत नहीं आपको। अभी कितने दिन तक आप दोबारा से व्यवस्था हो जाएंगे? इंशाल्लाह आज से इजाजत मिल गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपना एक नाली उतर गई है मेरी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आप काम करना चाहते हैं आप काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के साथ आपका यहाँ पर आने से लेके यहाँ से जाने तक का टाइम कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार मैं यहाँ आया हूँ डॉक्टर साहब ने बड़ा तावन किया है। और अक्सर ये होता है ना कि डॉक्टर फीस लेने के बाद फिर तावन नहीं करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज भी मैं देखो तीसरी मरतबा आया हूँ, तो तीसरी मरतबा उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया है और बाकी सारा मेरा चेकअप किया है, और बड़े अच्छे अखलाक से जो भी मैंने कोई सवाल किया है उसका जवाब दिया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम जो है बड़ी कोऑपरेटिव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हारत भाई, और ये नारोबाल से आए हुए हैं। इन्होंने 18 दिन पहले डॉक्टर साहब से अपना पेट छोटा करवाया था, तो इनसे बात करते हैं कि आज के दिन तक इनको कितनी ज्यादा आसानी हुई है, इनका पेट छोटा करवाने के बाद इनका जख्म किस तरह से कितना ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका जख्म 18 दिन के बाद क्या समझते हैं कितने फीसद तक ठीक हो गया हुआ है? मेरा अभी मैंने चेकअप करवाया जी डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा कि आपका जख्म जो है वो 100% बेहतरीन भर गया है और बेहतरीन है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि 18 दिन के बाद जख्म जो है मैंने एहतियात की है पूरी, और इंशाल्लाह मेरा जख्म बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी आप बिल्कुल फिट, जो जैसे आप ऑपरेशन करवाने से पहले फिट थे, बिल्कुल आप अपना काम वगैरह कर लेते थे, अभी कितने दिन तक आप दोबारा से व्यवस्था हो जाएंगे? इंशाल्लाह आज से इजाजत मिल गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपना एक नाली उतर गई है मेरी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आप काम करना चाहते हैं आप काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। पहले जब ऑपरेशन करने से पहले जो है वो काम नहीं होता था, सांस वगैरह चढ़ जाता था, ब्लड प्रेशर तेज रहता था, और सीधा बिल्कुल सोहेब नहीं जाता था, तो सांस में दुश्वारी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के बाद मैं सीधा भी सो लेता हूँ, साइड पे भी सो लेता हूँ, सांस का भी मसला कोई नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो बिल्कुल। अच्छा, तो आपने ऑपरेशन करवाने के बाद 18 दिन में कितनी दफा डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया? मैं आज तीसरी मरतबा आया जी इनके पास। और आज आपको डॉक्टर साहब फाइनल आज मुझे उन्होंने फारा कर दिया है कि आप आने की जरूरत नहीं है आपको, चेकअप बता दिया कि जब फ्लूड आना बंद हो जाए तो इस तरीके से निकालनी है तो निकल जाएगी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन उन्होंने दे दी है, और उन्होंने कहा कि आप अपना काम वगैरह अपनी टीम के साथ करें। अच्छा, आपका 18 दिन से पहले भी डॉक्टर साहब के साथ एक ताल्लुक रहा होगा, तो अभी आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के साथ आपका यहाँ पर आने से लेके यहाँ से जाने तक का टाइम कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार मैं यहाँ आया हूँ डॉक्टर साहब ने बड़ा तावन किया है, और अक्सर ये होता है ना कि डॉक्टर फीस लेने के बाद फिर तावन नहीं करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज भी मैं देखो तीसरी मरतबा आया हूँ, तो तीसरी मरतबा उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया है और बाकी सारा मेरा चेकअप किया है, और बड़े अच्छे अखलाक से जो भी मैंने कोई सवाल किया है उसका जवाब दिया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम जो है बड़ी कोऑपरेटिव। अच्छा, तो जो लोग करवाना चाहते हैं और अभी तक सोच रहे हैं या फिर उनको यकीन नहीं आता, एतमाद नहीं होता उनको, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मेरा उन भाइयों से मशवरा है कि बिल्कुल मेरी तरह, जिस तरह मेरी पोजीशन थी, सांस वगैरह नहीं आता था, मुख्तलिफ बीमारियों के खदशात थे, तो मेरा ख्याल ये है कि जिन भाइयों का इस तरह के मसाइल हैं, उनका पेट बढ़ा हुआ है, आप यहाँ सुबहान अस्पताल खारियाँ जरूर तशरीफ लेके आए, डॉक्टर साहब से टाइम लें और ऑपरेशन का टाइम लें, इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद आपके ये सारे मसाइल जो है ना बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। अच्छा आलिस साहब, मुझे एक बात बताएं, आपका पेट ऑपरेशन से पहले कितना वेट में फर्क हुआ है ऑपरेशन के बाद? 20 से 25 किलोग्राम का आज मैंने नोट किया, 20 से 25 किलोग्राम मेरा वजन जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो आपको लगता है कि अभी आपका वजन मजीद कम हो रहा है और टाइम के साथ साथ होगा? जी मजीद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन और दी है, उससे जो बाकी अगर जहाँ भी कोई चर्बी वगैरह की कुदाया वो भी इंशाल्लाह तहरीर हो जाएगी और मजीद वजन मेरा इंशाल्लाह कम हो जाएगा। क्या समझते हैं 18 दिन बाद आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने ये अपना पेट छोटा करवा के अच्छा फैसला किया या फिर सिर्फ आपने कट लगवाया अपने? जी नहीं, मैं ये डर रहा था पहले, तो फिर यहाँ आके हौसला अफजाई हुई थोड़ी सी, डॉक्टर साहब ने भी अच्छा गाइड किया, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैसला था मेरा और वक्त पर बड़ा अच्छा फैसला किया है। मजीद आगे वक्त गुजर जाता तो मजीद मसाइल जो थे वो अपना दो चार होता उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो सोचे ना, जरूर तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब जी। बहुत शुक्रिया हालिद भाई। तो नाजरीन, आप लोगों ने हालिद भाई की बात सुन लिया और आपको इस बात का पता चल गया कि 18 दिन के बाद इनका जख्म कितना हद तक ठीक हो गया और इनको आज डॉक्टर साहब ने फारिग कर दिया। मुझे उम्मीद है आप सबको बात की समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ ही मुझे फैजान बेग को दें इजाजत, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।